आए हो निभाने को जब किरदार जबी पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये मत सोचो कि कितनी तैयारी, कितनी मेहनत हो गई। सोचो ये कि इस बार करके ही मानना है, उससे कम पे मानना नहीं, सिलेक्शन लेके दिखाना। हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम विंग्स। एग्जाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। वोकैबुलरी सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। आप हमको टेलीग्राम, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, कैसे तैयारी करनी है या किसी भी फॉर्म से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, आप पोस्ट कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है बेरंग। बेरंग मतलब जिसमें कोई रंग ना हो, ठीक है। बेसिकली ये वर्ड तब यूज किया जाता है जब हम ये कहते हैं कि जिंदगी बहुत ही खराब सी चल रही है ना, देयर इज नथिंग फिक्स, कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है हमको, फ्यूचर बहुत ही ब्लीक है। ये बेसिकली ऐसे ही यूज होता है, ब्लीक। सॉरी, ब्लीक फ्यूचर, ठीक है। ब्लीक फ्यूचर कैसे का मतलब होता है कि आपका जो जीवन है वो फिक्स नहीं है। मतलब आप तैयारी कर रहे हो, आपका एग्जामिनेशन निकलेगा नहीं निकलेगा अभी आपको पता नहीं है, तो आप कहोगे बहुत ही ब्लीक फ्यूचर है, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या होना है क्या नहीं होना है, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स देखिए। इसके सिनोनिम्स हैं डेजर्ट, मतलब कि डेजर्ट कहते हैं ना कि डेजर्ट में कुछ उगता नहीं है, कोई उम्मीद नहीं होती, कुछ ऐसी चीज़ें, तो ये वर्ड इसीलिए यूज किया गया है। डेसोलेट, DESOLATE। बेयर, बियर, बेयर मिनिमम, आपने एक वर्ड शायद सुना होगा, बेयर मिनिमम। बेयर मिनिमम मतलब होता है कि मिनिमम, इससे कम से कम इतना हो जाए, बस किसी तरह से गुजारा हो जाएगा, ठीक है। आपको 10,000 की सैलरी दे देंगे तो आप खा पी लोगे, मरोगे, तो ये बेयर मिनिमम सैलरी होगी, ठीक है। डिसमेल, ग्लूमी मतलब बहुत ही उदास, जैसे जहाँ पे जीवन में सिर्फ और सिर्फ अंधकार या कोई कलर ना दिख रहा हो, ठीक है, दैट इज ग्लूमी। तो ये ब्लीक का क्या है, सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या है इसके ऊपर देखिए। ब्राइट, BRIGHT, HAPPY हैप्पी, एंड सिंपेथेटिक मतलब कि सिंपैथी जिसको मिल रही हो, मतलब जहाँ पे उम्मीदें हो, जहाँ पे चीज़ें अच्छी दिख रही हो, ब्राइट हो, जीवन में कलर हो, रोशनी हो, चकाचौंध हो, तो वो क्या होगा, ब्लीक का एंटोनिम होगा। नेक्स्ट वर्ड इज फीजिबल। फीजिबल का मतलब होता है संभव, कोई चीज़ पॉसिबल होना, ठीक है। तो इसका यूज़ कैसे होता है, फीजिबल का यूज़ होता है कि फीजिबिलिटी स्टडी की जाती है कि भाई इस जगह से सड़क बन सकती है कि नहीं, मेट्रो यहाँ इस शहर में चल सकती है कि नहीं। जैसे कई शहरों में मेट्रो चल रही है तो वहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट किया जाता है कि अंडरग्राउंड मेट्रो चलनी चाहिए कि ओवरग्राउंड मेट्रो चलनी चाहिए, कि पिलर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि संभवता देखी जाती है कि क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सिनोनिम देखिए, वर्केबल, वर्क मतलब काम, एबल मतलब करने योग्य, तो वर्केबल मतलब काम करने लायक हो, पोटेंशियल हो किसी में कि हाँ आपके अंदर वो मद्दा वो बूता है कि आप वो काम कर सकते हो। अचीवेबल मतलब हम कहते हैं ना कि ये टारगेट अचीवेबल है कि हमने दिन में 100 क्वेश्चन का टारगेट किया तो दैट इज अचीवेबल, लेकिन मैं कहूँ कि दिन में आज मैं 15,000 क्वेश्चन करूंगा, ये अचीवेबल नहीं है, फीजिबल नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि इट इज नॉट फीजिबल। अटेनेबल, अटेन कर सको मतलब कुछ आप पा सको, वो संभव है तभी आप पा पाओगे। अब उसके एंटोनिम्स क्या होंगे, जो चीज़ें इम्पॉसिबल हो, जो इम्प्रैक्टिकल हो, जैसे मैंने कहा ना 15,000 क्वेश्चन करना है, 15,000 क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो एक दिन में, आप कोई भी स्पीड से कर लो, आप सारी चीज़ें छोड़ दो, 15,000 क्वेश्चन किसी भी टॉपिक पे करना इट्स नियर टू इम्पॉसिबल, ठीक है। अनलाइकली, अनलाइकली क्या होता है, जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती, जो नहीं हो सकने की, जिसकी उम्मीद ज्यादा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ग्रेशियस। कुछ ऐसे वर्ड्स यहाँ पे आपको देखेंगे जो पहले भी करा रखा है मैंने, लेकिन कुछ लोगों ने पुरानी वीडियोज अभी तक नहीं देखी हैं, तो इसलिए मैं कुछ पुराने वर्ड्स भी लेके आ रहा हूँ जो कि प्रेजेंट में कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में या किसी तरह की न्यूज़ में आ रहे हैं। ग्रेशियस का मतलब होता है दयालु, ठीक है, जो बहुत काइंड नेचर का होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका सिनोनिम काइंड भी होगा, तो सिनोनिम देखिए, फ्रेंडली, जीनियल, एमिएबल एंड एफेबल। यहाँ पे काइंड भी आप लिख सकते हो, काइंड, आपको अगर काइंड दिखता है ऑप्शन में तो आप काइंड भी टिक कर सकते हो। देखिए आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन में ऑप्शन टिक करना है, तो इस चीज़ को ऐसे याद करना है कि अगर आपको 4 में से 1 ऑप्शन सही दिखे तो वहाँ पे तुरंत पकड़ लो, ठीक है। एंटोनिम्स अनकाइंड, सरकास्टिक, सरकास्टिक होता है ना, टेढ़ा बोलता है, जो तमीज से बात नहीं करता, वल्गर, कहते हैं ना कि बड़ी वल्गर लैंग्वेज है इसकी, मतलब गाली गलौज करता है या मतलब अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करता है। क्रिटिकल,
ग्रेशियस क्या होता है? ग्रेशियस वो जो दयालु, बहुत फ्रेंडली, बहुत अच्छे से, बहुत अमेबल, मतलब जिससे मिलनसार हो, जिससे आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सको, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज प्लेट्री, PALTRY, मतलब होता है नगण्य, मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो, जो अनइम्पॉर्टेंट हो, जिसकी इम्पोर्टेंस जीरो के बराबर हो, ठीक है। ये जैसे कहते हैं ना कि वो आया नहीं आया उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, तो वहां पे ये वर्ड यूज होता है प्लेट्री। इसके सिनोनिम से की ट्रीवियल, अनइम्पॉर्टेंट, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल क्या होगा ना, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। जैसे अगर कोई मेरा आंसर आया मैथ में, मैंने क्वेश्चन किया 2, 7, 5, 9, तो अब ये 5, 9 मैं इग्नोर कर सकता हूँ, 7, 5, 9 भी इग्नोर कर सकता हूँ, यहाँ पे 10.3 लिख सकता हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैल्यू से चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो नेग्लिजिबल है या माइनर है, बहुत छोटा सा वैल्यू है। मैं कहूँ 10.278 और 2, 7, 5, 9, बहुत फर्क नहीं है इसमें ना, तो ये निग्लिजिबल है, बहुत छोटा सा फर्क है, माइनर फर्क है। तो वो सब क्या है? नगण्य है, या मतलब प्लेट्री। एंटोनिम्स देखिए, मतलब इम्पोर्टेंट, जो चीज़ अनइम्पोर्टेंट उसको उल्टा क्या होगा? इम्पोर्टेंट होना, रॉयल होना, ठीक है। रॉयल हमेशा इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, तो वहाँ पे, वहाँ से ये वर्ड आया है। कंसीडरेबल मतलब, अब मैं ये कह दूँ कि एक के आए 10.23 और दूसरे के आए 17.11, तो अब ये यहाँ पे डिफरेंस क्या है? कंसीडर करने वाला डिफरेंस है ना, तो कंसीडरेबल। सिग्निफिकेंट मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, या सिग्निफिकेंट किसने कोई काम किया होता है कि उनके करने से यहाँ की गरीबी खत्म हो गई, तो दैट इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज जेपडी। जेपडी मतलब होता है खतरा, खतरा या फिर किसी तरह से किसी को किसी मुश्किल में डालना, मतलब सिनोनिम्स देखिए, हैजर्ड, रिस्क, डेंजर या एक्सपोजर। जेपडी बेसिकली यूज होता है तब जब हम कहते हैं कि आपके वजह से हमारा ये काम मुश्किल में आ गया, इस काम पे रिस्क आ गया, जैसे कि आपने कोई गलत काम किया और अब आपके पकड़ने के चांस हो गए, तो दैट इज कि आपके काम फंस गए हैं, हैजर्ड है, रिस्क है, वहाँ पे पकड़े जाने का डेंजर है, ठीक है, या आपके एक्सपोज होने का डेंजर है, तो दैट इज जेपडी, ठीक है। ये सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स देखिए जेपडी के हैं सेफ्टी, सिक्योरिटी, मतलब सेफ्टी मतलब वहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, सारी चीज़ें सेफ हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है, सेफनेस, सेफ मतलब जो कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हो, सेफनेस, ठीक है, सुरक्षित जिसको कहते हो, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन वही कहते हैं ना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, मतलब कि आपको वहाँ सुरक्षित होने का या रखने का मौका मिल रहा हो, तो वहाँ पे प्रोटेक्शन है। तो ये सारी क्या है? इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सेरिनिटी। सेरिनिटी का मतलब होता है शांति, कामनेस, पीसफुल, जहाँ पे ऐसी चीज है, जैसे होता है ना बाग बगीचे में बहुत शांति होती है, बहुत अच्छा होता है, पहाड़ों पे लोग इसलिए जाते हैं ना कि वहाँ शांति होती है, तो सेरिनिटी होती है। तो वहाँ पे क्या सिनोनिम्स मिलता है हमको? पीस, प्लेसिडिटी, पेशेंस एंड स्टिलनेस। PACE पीस, PLACIDITY प्लेसिडिटी, पेशेंस PATIENCE पेशेंस, एंड स्टिलनेस STILNES स्टिलनेस। ये जो वर्ड्स हैं, मैं बार बार आपको एक चीज़ और फिर से रिवाइज करा रहा हूँ कि इन सारे वर्ड्स को कई बार आपको रिवाइज करना होगा तभी याद होगा। प्लेसिडिटी एक बार में आपको ऐसा वर्ड नहीं, या वर्ड शायद ही बहुत कम बच्चों ने सुना होगा, ठीक है। एंटोनिम रेज, एजिटेशन। रेज मतलब गुस्सा आना, एंगर दिखाना, एजिटेशन मतलब चिड़चिड़ा होना, एगनी मतलब किसी ऊपर गुस्सा आना, बर्दाश्त करने लायक नहीं होना, स्ट्रेस होना मतलब प्रेशर में होना। तो ये सब शांति का क्या है? उल्टा है, उल्टा है ना, क्योंकि तो आपको वहाँ पे पीस नहीं मिल रहा है, आपको पीस का उल्टा हो रहा है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, रेज, आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है, इरिटेट हो रहे हो आप। तो ये सारे वर्ड्स एंटोनिम्स हैं, दीज आर दी एंटोनिम्स फॉर दीज थिंग्स। ओके, ऑल द बेस्ट। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो यू कैन आस्क। गुड लक एंड कीप स्टडी।